नमस्ते प्रणाम, हम खुशी गोरछू बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग कैसे मन जाओ, उम्मीद करके बहुत अच्छा है, खोजा और मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने काम में बिजी व्यस्त रहेंगे। तो दोस्तों बहुत खुशी होता है कि आज हमने के बहुत तैयारी आज से चल रही है 18 तारीख से बहुत दोस्तों। और देखिए मुन्नी बेचारी कितना तैयारी कर रही है, भगवान करे कि दोस्तों इतना क्या बताए, अपना खुशी को किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। और एक बात दोस्तों आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी तैयारी चल रही है ये मुन्नी के चलते चल रही है। और मुन्नी हमको बहुत एक नहीं बताया कि सपोर्ट से हिम्मत सब कुछ दिए, एक दो दीदी और है। और दोस्तों हम तो बहुत शर्माते हैं सब काम करने में, है ना जी, हम भी और हमारे हस्बैंड बहुत शर्माते हैं। हम लोग एक तो हिम्मत रख के, और दोस्तों जितना हो सके संख्या में आप लोग आइए हमारे यहाँ, जो कि हम आप लोग को एड्रेस दे दिए हैं। और प्यार दुलार दीजिए, सपोर्ट करिए, और जहाँ से भी आइए, एक दिन पहले ये दो दिन पहले है, और टाइम है क्या बचा है, कल उन्हीं से पकड़ जगह है। दोस्तों आप लोग कितने भी दूर से ये 5 दिन में रहने, इतना दिन भी रहना चाहते रह सकते हैं, क्योंकि जगह है बहुत ज्यादा। इनके ससुराल में भी जगह है, क्योंकि हम घूम के आ चुके हैं दोस्तों, तो हमको पता है कितना जगह है। तो दोस्तों यही बहुत खुशी हो रहा है कि क्या बताएं। तो दोस्तों हम लोग का तैयारी चल रही है, और दोस्तों बहुत दुख की बात भी है, हम क्या बताएं आप लोग से, हम बहुत देखने में बहुत खुश रहते हैं ना जी। हाँ ये बात है रियल, रात को 12 बजे किसी को देखना है तो रात को 12 बजे इनको देखिएगा। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, और ये नहीं है समय कि हम कोई भी चीज़ हमको कमी हो रही है तो हम किसी से कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। होता है कि पत्नी पति और पत्नी के बीच के बात कोई नहीं होता है कि हम लोग शेयर कर सकते हैं किसे करें। इधर सास ससुर नहीं है, उधर हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, और उसने उन लोग का देने का वो नहीं है। तो दोस्तों यही बात है, और क्या बताएं। और मुन्नी देखिए, मुन्नी सफाई कर रही है, जो कि मुन्नी बहुत सेवा कर रही है घर का, देख लीजिए काय वो काय कर थे। हमको खुशी भाई 21 तारीख के सरप्राइज मिले वाला था, छोड़ने वाले नहीं है सरप्राइज भाई। और हमारे यहाँ दीदी एक आई है, जो कि बहुत प्यारी प्यारी दीदी है, आप लोग को दिखा रहे हैं। तो उनके चैनल का क्या नाम है, और देखिए मुन्नी तो बेचारी खूब लगल है कि अब कहीं इनका तो मोल के करिया कर। दीदी जाओ तनी, लक्ष्मण रेखा आराम लिखा हटा दे तनी, आओ दीदी। और तुम लोग के चैनल के क्या नाम है दीदी, नहीं बता दे देता। हमारे चैनल का नाम है गुड़िया राज ऑफिशियल। गुड़िया राज ऑफिशियल को जाइए, आप लोग सब्सक्राइब करिए और प्यार दुलार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और हम लोग बहुत झूम धूम के तैयारी कर रहे हैं ना। हाँ तो जितना ही मैं दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा ही तैयारी कर रहे हैं ना जी। हाँ तो क्या तनिए में मीठी गुड़ भाई, तनिए में मीठा पानी हम के पी लिया जाएगी, जरूरी नहीं है हम के रसगुल्ले के गुड़े के हम के पानी पी लिया जाए। रसगुल्ला मिल गया इसी कहीं का थे ना, मैंने कह हां इंसान से बढ़कर रसगुल्ले बाटे है ना दीदी। तो दीदी हमारे यहां दूसरी बार आई है, देख लीजिए। सारा बार मिली हूं दीदी से, कहां है हमारा छोड़े के मन ना कर लगा है ना, छोड़े के मन ना कर। दोस्तों इतने प्यारी हैं दीदी ना, क्या पता है जिसको भी आना आकर दीदी को देख लीजिए। हम लोग का तो विश्वास ना होगा तो आप लोग रियल में आके देख लीजिएगा। हम तो भाई रह चुके हैं इनके साथ आज कितने दिन से रह रहे हैं, दिन रात रह रहे हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ बहुत लोग आ गए हैं, आप लोग को क्या बताए हमारे यहाँ ना दीदी आए, और आने वाले हैं शाम को बहुत ज्यादा ही लोग आ जाएंगे हमारे घर, जो कि कहाँ है मेरा ससुराल, हम खुद भूल जाते हैं, ऐसे भूला बता रहे हैं आप लोग को। दिनारा, हमारा थाना दिनारा है, बक्सर से आप लोग आइए, और बक्सर से बस में बैठिए, बोलिए दिनारा जाना है तो तुरंत छोड़ देगा बस वाला, कोई भी बस वाला छोड़ देगा ना जी। और दोस्तों बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, और मुन्नी बेचारी साफ कर रही है। हम तो भाई सबसे ज्यादा खुश बानी, हमारे जीजा जी लोग नए जीजा जी मिले हैं दोस्तों, इसीलिए हम बहुत खुश है। और अरे ऐसा बात ना आवे मुन्नी, अंगने काहे कहत अड़ू, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, नैन शराबी नैन गुलाबी करे यार, लेके क्यों लगा रहा है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, खूब नाचब खूब नाचब, हे भैया पहले हम तुम लजाए बुझे हम खूब नाचब नचाई खातिर डीजे कैले बानी ना अपनी सब क्या। दोस्तों बहुत खुशी का बात है कि हम लोग का घर सिवान में है, बहुत सिवान में है तो क्या बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया लगता है। दीदी भी, दीदी यहाँ आने के बाद कैसा लगता है बताइए। बहुत अच्छा लगता है, लगता नहीं है दूसरे जगह आए हैं, लगता है अपने घर में। सोच लीजिए दीदी का बात, और दीदी हमारे यहाँ, ए दीदी हमसे बात हुई थी आपका? नहीं नहीं हुआ था।
आप आ गई सही सही दूसरे जगह जाती तो लोग डांटते दूसरा जगह जाते तो कोई चिंता ही नहीं है कि कौन आया है नहीं दीदी दूसरा जगह जाते तो लोग डांटते सच में हम और देखे भी है पर दोस्तों हमसे बात नहीं हुई थी और दीदी हमारी रूम देखी थी तो आ गई और हम पूछे ना कि परी के पापा से कि जो दीदी आने वाली है और तो हम पहचान ही रहे हैं पर ये नहीं जानते थे कि ये दीदी आई है तो बोले कि जाइए लाइए कहाँ है ऐसा हो रहा है देखिए हमारे यहाँ रिक्स रहता है कि कोई आया है और देखिए सेवा किसी को नहीं कर सकते तो उनको भगा भी नहीं सकते हैं ना दीदी हमारे यहाँ यही क्षमता है और इधर बेचारी मोल रोल दिया उल्टी वो फेंक दो नहीं पुराने सब फेंक दो जो काम ना करते हैं बाकी सब फेंक देंगे दोस्तों खुशी दिन उजाड़ के जाएंगे नहीं 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 दोस्तों लोग से हम बात कर रहे हैं कि दोस्तों देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय जब बड़े हो जाने पे ना पुराने चीज को फेंकना नहीं चाहिए कभी भी पहले तो हमारे हमारे पुराने ही चीज पहले हमारे काम आया था आज हमको नया चीज मिला है जिस दिन दोस्तों हम आए थे कॉमेडी करने बहुत छोटे थे जो कि हम एक सीट कपड़ा पहन के बिहार में आए थे हम दीदी को दिखाए ना दीदी और हम बोले दीदी कि हमारे यहाँ इतना कपड़ा है और हमारा ये नहीं का नाम है कि हम बस नए पहनेंगे हम जो भी पहन के चले जाएंगे अभी दोस्तों आप लोग को दुख का और खुशी का बात बता रहे हैं हम बोले अपने देवर से हमारा कपड़ा नहीं खरीदाया है हम क्या पहनेंगे बोलते हैं कोई भी पहन के मना लेना तो हम बोले सही बात बोल रहे हैं वो लोग तो दोस्तों हमारे यहाँ यही तो हमारी खासियत है कि हम जैसे रहते हैं वैसे ही रह जाते हैं जैसा देश वैसा भेष तो चलिए और दोस्तों हमारे माँ बाप तो सब लोग ऐसे ही हम किसके पर नाज करें अपने माँ से मांगे किससे मांगे और हमारे पापा के बारे में तो जानते ही हैं आप लोग वो भाई कैसे भी खुश हैं हम बस उतना ही ध्यान दिया है और बहुत खुश हैं आप लोग से प्यार दिलाते हम लोग खुशी ऐसे ही देते रहिए और प्यार दुलार देते रहिएगा तब तक के लिए बाय बाय और हमारे ब्लॉग में बने रहिए प्यार दुलार देते रहिएगा सपोर्ट करते रहिए दोस्तों हिम्मत हौसला देते रहिए कि हम आगे बढ़ते रहें और आप लोग को हम बढ़ाते रहें और आप लोग को सपोर्ट करते रहें दोस्तों।